बढ़ेंगे आगे। प्रौद्योगिकी सप्ताह के दौरान देश भर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में भी स्कूलों के लिए एक दिवसीय रोबोटिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में दिल्ली NCR के स्कूलों के शिक्षकों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और शिक्षा में उनके अनुप्रयोगों में नवीन प्रगति के बारे में जाना। कितना महत्वपूर्ण रहा यह सम्मेलन, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने। दिल्ली में एक दिवसीय रोबोटिक सम्मेलन चल रहा है, क्या खासियत है इस रोबोटिक सम्मेलन की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश गोयल जी। ये जो दौर है अब ये कंटेंट से कंपिटेंसी तरफ जा रहा है, एंड फॉर्चुनेटली नेशनल टेक्नोलॉजी हमारे प्रधानमंत्री जी का इस वीक का भी एक वो है, इस वीक का, इसमें मेन जो आज की टेक्नोलॉजी है जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और उसके बताया गया है डाटा को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम कैसे अपने आप को मोर अपडेट कर सकते हैं। आज का जो दौर है ये टेक्नोलॉजी दौर है, इसको जो जितना अपडेट करेगा अपने आप को आज के दौर के हिसाब से, जितने उसको इम्प्लीमेंट करेगा, डिलीवरी करेगा, जैसे NEP के अंदर इसको बहुत हाईलाइट किया गया है, उसका पर्टिकुलर यही है कि आज इसका हमने 100% डिलीवरी करनी है। जब डिलीवरी करेंगे तो उसके रिजल्ट विल बी देयर। हमारे साथ डॉक्टर आर करीम हैं, NCERT से हैं। AI हर फील्ड में अप्लाई किया जा रहा है, तो एजुकेशन में भी इसका बहुत महत्व है, क्योंकि AI के मदद से हम पर्सनलाइज लर्निंग अचीव कर सकते हैं, हम इंटेलिजेंट वे से एसेस कर सकते हैं, हम टीचर को फ्री कर सकते हैं वो अदर नॉन टीचिंग रूटीन एकेडमिक वर्क से, मैनेजमेंट को एसेस कर सकते हैं, तो हर एरिया में। बिसाइड्स दैट, ये तो हो गया कि असिस्ट करना, बिसाइड्स दैट आप एज ए फ्यूचर स्किल देखेंगे तो हमारे बच्चों में स्कूल से ही, बिकॉज AI इज गेटिंग इंटीग्रेटेड इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। शिक्षाविद अशोक जी हैं। शिक्षा प्रणाली में जो बातें हो रही हैं, आज आप ये सोचिए कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 25 साल पहले यूज़ कर चुकी, और आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्कूलों में पढ़ाया जाए कि नहीं और कैसे पढ़ाया जाए, तो आप सोचिए हम कितने वर्ष पीछे हो चुके हैं। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि जो देश का नेतृत्व है इस समय और जो देश की शिक्षा प्रणाली है, खासतौर से प्रधानमंत्री जी ने, वो इस चीज़ को बहुत आगे लेके जा रहे हैं कि अब जो हमारा नुकसान हो चुका है वो अब आगे नहीं होना चाहिए, और इसलिए इसको हम कितनी द्रुत गति से लेके आगे बढ़ाएं, उसमें इस तरह के समिट्स का बहुत बड़ा योगदान है। जो कहना कि उम्मीद की जा रही है ये सम्मेलन बहुत ही कारगर साबित होगा, खास तौर पर स्कूलों के लिए और विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ गिरीश निशाना, DD News, दिल्ली।